नमस्कार, मैं डॉक्टर एस के श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी भिलाई। बी कॉम फाइनल ईयर और एम कॉम चतुर्थ सेमेस्टर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के अंदर पूंजी खर्च बजटिंग, इस टॉपिक पर मैं कुछ बातें रख रहा हूँ। प्रत्येक व्यावसायिक संस्थान में दो प्रकार के व्ययों का भुगतान होता है, जिसमें पहला होता है हमारा पूंजीगत व्यय और दूसरा होता है आगमगत व्यय। पूंजीगत व्ययों के रूप में जो राशि खर्च की जाती है वह सामान्यतः आगमगत व्ययों की तुलना में बहुत बड़ी होती है, और इस प्रकार के व्यय की जो राशि की प्रकृति होती है वह अनावर्तक होती है। जबकि आगमगत व्यय में हम ऐसी बातें नहीं देखते। पूंजीगत व्यय से भिन्न आगमगत में हमारी स्थितियां होती हैं। जो व्यय हमारे सम्मुख आते हैं उनका व्यवसाय के सामान्य संचालन के परिप्रेक्ष्य में हमको भुगतान करना पड़ता है। इस प्रकार के व्यय आवर्तक प्रकृति के होते हैं और इन व्ययों की जो राशियां होती हैं वह भी छोटी होती है। तो जैसा कि मैंने अभी स्पष्ट किया, दो प्रकार के व्यय, और दोनों प्रकार के व्ययों में हमें एक बात समझ में आती है कि पूंजी खर्च पूंजीगत व्ययों के रूप में जो हम खर्च करते हैं उनमें हमें सोच विचार करने की आवश्यकता होती है। सीधे तौर पर ये व्यय हमारे सम्मुख आए और उनका हम भुगतान कर दें, यह बात न्यायसंगत नहीं होती, क्योंकि इसमें जो व्यय की राशि होती है वह बहुत बड़ी होती है और धन का प्रबंध करने की आवश्यकता होती है, उनके लाभदायकता संबंधी सभी पहलुओं की जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि हम पूंजीगत व्ययों को करने के पूर्व ठीक ढंग से योजना बना लें। पूंजी खर्च करना आसान नहीं होता। अगर सही ढंग से हम अपना निर्णय लागू नहीं कर पाते तो फलस्वरूप हमें इस प्रकार के पूंजी खर्च के निर्णयों में हमें हानि प्राप्त होती है या प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जो व्यवसाय को हानि प्रदान करती हैं। तो पूंजी खर्चों के संबंध में या पूंजीगत व्ययों के संबंध में हमें योजना बनाने की आवश्यकता होती है, बजटिंग करने की आवश्यकता होती है, अर्थात धन का प्रबंध कहाँ से किस तरह से किया जाएगा और उसके लाभदायकता संबंधी सभी पहलुओं का जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। पूंजी खर्च बजटिंग में जैसा कि मैंने बताया कि विनियोगों के प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जाता है, देखा जाता है कि जो विनियोग या जो पूंजी खर्च हम करने जा रहे हैं उसकी लाभदायकता किस प्रकार की है। अलग अलग प्रकार के लाभदायकता के यहाँ पर तरीके बताए गए हैं जिनके अनुसार विनियोगों के प्रस्तावों का हम मूल्यांकन करते हैं, और मूल्यांकन करने के पश्चात हम देखते हैं कि जो विनियोग हम करने जा रहे हैं वह हमारे संस्था के लिए कितना हितकारी है। अगर हमें अनुकूल परिस्थितियाँ दिखाई देती हैं तो उस प्रस्ताव को हम स्वीकार करते हैं, अन्यथा उसे हम अस्वीकार कर देते हैं। तो आइए देखते हैं हम कि अलग अलग प्रकार के प्रस्तावों के मूल्यांकन की विधियां क्या हैं या किस तरह से विनियोगों के प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें सबसे पहला है अदायगी अवधि पद्धति, जिसको हम पे बैक पीरियड भी कहते हैं। अदायगी अवधि पद्धति के अंतर्गत विनियोगों का मूल्यांकन करने के लिए हम देखते हैं कि उसके मूल लागत की वापसी किस परियोजना के द्वारा सबसे पहले की जा रही है। जिस परियोजना के द्वारा उसके मूल लागत की वापसी सबसे पहले की जाती है उस परियोजना का चयन किया जाता है और अन्य विकल्पों को हम त्याग देते हैं। तो इसमें जब परियोजनाओं के मूल्यांकन किए जाते हैं उनकी अदायगी अवधि के आधार पर, तो हमें यहाँ पर रोकड़ अंतर्वाह की स्थितियों को ज्ञात करना होता है। रोकड़ अंतर्वाह का मतलब होता है कैश इनफ्लोज, कैश
कैश इनफ्लोज का मतलब होता है एक लाभ की राशि कह सकते हैं आप। तो विनियोगों के प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए जब हम अदायगी अवधि पद्धति का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले हमें उसके कैश इनफ्लोज का गणना करना होता है। कई कई प्रश्नों में कैश इनफ्लोज की स्थिति दी जाती है और कैश इनफ्लोज जब दिया रहता है तो उसे भी सीधे तौर पर हम लेकर अपना प्रश्न हल नहीं करते। कैश इनफ्लोज जब पीबीपी इस मेथड का संक्षिप्त नाम है, पे बैक पीरियड को ही हम पीबीपी मेथड कहते हैं। तो जब पीबीपी निकालते हैं हम किसी भी अपने इन्वेस्टमेंट का, तो इन्वेस्टमेंट का पीबीपी निकालते समय हमको देखना पड़ता है कि कैश इनफ्लोज जो दिया गया है वह किस प्रकार से है। कैश इनफ्लोज सामान्यतः जब हम पीबीपी कैलकुलेट करते हैं या उसकी गणना करते हैं तो हमें कैश इनफ्लोज जो लेना होता है वह होता है आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन, अर्थात कर के पश्चात और ह्रास से पूर्व। तो यदि जो कैश इनफ्लोज है वो आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन के रूप में दिया जाता है तो सीधे तौर पे हम प्रश्न की गणना कर लेते हैं। यहाँ पर पीवीपी निकालने के लिए हम देखते हैं कि जो उसका इनिशियल कास्ट है वो कितना है, अर्थात उसकी प्रारंभिक लागत कितनी है, और प्रारंभिक लागत में हम एनुअल कैश इनफ्लोज को डिवाइड कर देते हैं, उसका भाग कर देते हैं। भाग करने से जो मूल्य प्राप्त होता है वही उसकी पुनर्भुगतान अवधि होती है। तो जो पेबैक पीरियड होता है, इस प्रकार से हम इसकी गणना कर लेते हैं। जब प्रत्येक वर्ष का रोकड़ अंतर्वाह समान रहता है या कैश इनफ्लोज जब इक्वल रहते हैं तो उस कंडीशन पे हम इस प्रकार से इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय हम उसके एनुअल कैश इनफ्लोज को करते हैं और इससे जो वैल्यू प्राप्त होता है वो उसका पीबीपी का मान होता है। लेकिन जब हमारे एनुअल कैश इनफ्लोज इक्वल नहीं होते तो असमानता की स्थिति में हम इस प्रकार से अपने एनुअल कैश इनफ्लोज को नहीं ले सकते। जब अपने एनुअल कैश इनफ्लोज की राशि को देखते हैं तो उसमें हमको ये दिखाई देती है कि वो असमानता है, अर्थात एक वर्ष की जो रोकड़ अंतर्वाह की राशि है वह दूसरे वर्ष में जाकर बदल जाती है, दूसरे वर्ष की जो रोकड़ अंतर्वाह की राशि है वह तीसरे वर्ष में जाकर बदल जाती है, या इसी प्रकार से आगामी वर्षों में कुछ वर्षों तक एक समान रहती है या जाकर परिवर्तित हो जाती है। तब इस प्रकार से जो रोकड़ अंतर्वाह या कैश इनफ्लोज हमको दिया रहता है उससे हम सीधे तौर पर प्रश्न की गणना नहीं करते। इस प्रकार की स्थिति में हम यहाँ पर उसका कमलेटिव एनुअल कैश इनफ्लोज निकालते हैं, जिस प्रकार से स्टैटिस्टिक्स में हम अपने फ्रीक्वेंसीज का कमलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर जो हमारे एनुअल कैश इनफ्लोज जो अनइक्वल होते हैं, असमान होते हैं, उनको लेते हुए हम उनका कमलेटिव फिगर निकाल लेते हैं। कमलेटिव फिगर निकालने के बाद फिर देखा जाता है कि विनियोगों का प्रारंभिक मूल्य कितना है, और विनियोगों के प्रारंभिक मूल्य में फिर देखा जाता है कि हमारे जो कमलेटिव फिगर्स हैं उसमें क्या उसके इक्वल कोई वैल्यू है या उससे लोवेस्ट कोई वैल्यू है। तो अगर इक्वल वैल्यू नहीं होती, जो कि सामान्यतः होती भी नहीं है, तो उसके निकट जो मूल्य होता है उसको लेकर हम पूर्ण वर्ष की गणना कर लेते हैं, और पूर्ण वर्ष की गणना करने के पश्चात बचे हुए हमारे रोकड़ अंतर्वाह के लिए हम यहाँ पर आनुपातिक उसका अवधि निकालते हैं और उसको पूर्ण वर्ष में ले जाकर जोड़ देते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर जब रोकड़ अंतर्वाह हमारा समान होता है और रोकड़ अंतर्वाह हमारा असमान होता है तब की स्थिति में हम यहाँ पर अपना पीवीपी कैलकुलेट करते हैं। ये अदायगी अवधि के पूर्व भी होता है और अदायगी अवधि के पश्चात भी हम इसके लाभदायकता के संबंधी गणना करते हैं। अर्थात विनियोगों के प्रस्तावों का मूल्यांकन दो तरीके से किया जाता है, एक अदायगी अवधि के पूर्व और एक अदायगी अवधि के पश्चात। जब अदायगी अवधि के पश्चात हमें विनियोगों के प्रस्तावों का मूल्यांकन करना होता है तो इसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि विनियोगों के मूल लागत की वापसी करने के पश्चात कितना अतिरिक्त रोकड़ अंतर्वाह उत्पन्न हो रहा है, और जितना अतिरिक्त रोकड़ अंतर्वाह उत्पन्न होता है अतिरिक्त रूप में
इसे ही हम उसके लाभदायकता संबंधी पहलू के लिए प्रयोग करते हैं या प्राप्त करते हैं। तो चाहे हमारा रोकड़ अंतर्वाह समान हो या असमान हो, इसमें कुल वर्षों के लिए जो हमारे रोकड़ अंतर्वाह हमें प्राप्त होते हैं इनका संकलन कर लिया जाता है, और संकलन करने के पश्चात उसके प्रारंभिक मूल्य से उसकी तुलना की जाती है, और जो अतिरेक की राशि हमें रोकड़ अंतर्वाह के रूप में प्राप्त होती है यही उसके लाभदायकता का अदायगी अवधि के पश्चात लाभदायकता की राशि होती है। और इन दोनों तकनीकों के आधार पर हम विनियोगों के प्रस्तावों का मूल्यांकन करते हैं। अब देखेंगे कि प्रश्न में कभी कभी हमारे पास जो रोकड़ अंतर्वाह है, कैश इन फ्लोज है, ये सीधे तौर पे नहीं दिया जाता, अर्थात रोकड़ अंतर्वाह की कभी हमें गणना करनी पड़ती है या कभी हमारे जो स्टैंडर्ड उसकी जो बातें हैं उससे भिन्न रूप में रोकड़ अंतर्वाह दिया जाता है। जैसे किसी प्रश्न में दिया गया है कि ह्रास एवं कर से पूर्व रोकड़ अंतर्वाह, या किसी प्रश्न में दिया गया है कर से पूर्व एवं ह्रास के पश्चात रोकड़ अंतर्वाह, या किसी में दिया गया है कर एवं ह्रास के पश्चात रोकड़ अंतर्वाह। तो भिन्न भिन्न स्थितियों में जब भी हमारे पास रोकड़ अंतर्वाह की राशियां हमारे निर्धारित जो प्रारूप है, प्रारूप का अर्थ मेरा ये है कि कर के पश्चात एवं ह्रास के पूर्व, या इस कथन से भिन्न रूप में जब हमारे पास रोकड़ अंतर्वाह दिया रहता है तो उसे हमें अपने इस निर्धारित प्रारूप में उसे लाना पड़ता है, अर्थात कर के बाद एवं ह्रास के पूर्व की स्थितियों में उस रोकड़ अंतर्वाह को लाते हैं और उसके पश्चात ही यहाँ पर उसकी गणना की जाती है। तो ये मैं आपको दूसरे अपने वीडियो लेक्चर में बताऊंगा कि किस प्रकार से भिन्न भिन्न स्थितियों में रोकड़ अंतर्वाह की राशियों का परिवर्तन हम कर के पश्चात एवं ह्रास के पूर्व की स्थितियों में करते हैं। थैंक यू।